as you can see here, and after, wow, such a lovely transformation. This is going to be haircut and hair color transformation, long to short haircut. And today I'm gonna teach you balayage foliage hair color tutorial, and it's going to be without pre-lightening. जी हाँ guys, ये hair color होने वाला है without bleach, और इतना ज़्यादा transformation without bleach में भी ऐसे कौन से shades मैंने use किया है. As you can see here, before and after transformation, जो कि आज के tutorial में मैं आप लोगों को सिखाऊंगी balayage hair color and foliage technique आप कैसे कर सकते हैं. Can you see the color? Such a wonderful blending. There is no lining at all. बहुत ही trendy है, बहुत ही latest technique है. तो guys, देखना तो बनता ही है. Make sure कि आप इस video को last तक देखिएगा, तभी समझ में आएगा कि actual में इस hair color को मैंने किया कैसे है. और बताना चाहती हूँ कि अगर आपने first time मेरे channel में visit किया है, तो जल्दी से मेरे channel को subscribe कर लीजिएगा. Yes guys, you can subscribe to my channel. अगर आपने first time visit किया है तो जल्दी से मेरे channel को subscribe कर लीजिए, और subscribe करने के बाद जो bell icon है उसको click करके all option को select कर लीजिएगा like this. When you will just select the all option, you will get a notification. So make sure watch this video till the end and subscribe the channel. And also बताना चाहती हूँ guys, you can follow me on Instagram by the name of Shyama's Makeover. Yes guys, you can follow me on Instagram. जी हाँ, आप लोग मुझे Instagram में follow कर लीजिएगा, और कोई message या कोई question होगा ज़रूर मुझे Instagram messenger में पूछिएगा, ठीक है. So let's get started. So यहाँ पे देख सकते हो before, as you can see here, and as you can see here before picture, right? जहाँ पे नीचे नीचे bottom में color आ गया है, जो मैंने last time previous इनका color किया था. और बताना चाहती हूँ next time भी she just came to me for hair color. यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे सेक्शनिंग किया है. तो गाइज बताना चाहती हूँ, जो मेरी क्लाइंट है वो सेंटर पार्टीशन रख दिया है. सेंटर पार्टीशन करके ही हमने सेक्शनिंग किया है. रेडियल सेक्शन है, क्लासिक सेक्शन के बाद रेडियल सेक्शन है. एंड देन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैं दो कलर्स यूज़ कर रही हूँ. एक यूज़ कर रही हूँ 12.1 लेकिन 20 वॉल्यूम के साथ, एक यूज़ कर रही हूँ 12.5 जो कि 30 वॉल्यूम के साथ. और चलिए शुरू करते हैं. और यहाँ पर बताना चाहती हूँ गाइज कि सबसे पहले आपने क्या करना है, क्लासिक सेक्शन लिया, रेडियल सेक्शन लिया, बैक साइड से दो पार्ट में डिवाइड किया. और आपने जब भी दो पार्ट में डिवाइड करना है, सबसे पहले आपने लेना है डायगनल बैक सेक्शन. क्या लेंगे आप? डायगनल बैक सेक्शन, राइट? क्योंकि व्हेन यू टेक अ डायगनल बैक सेक्शन, एज यू कैन सी हियर 12.5 विथ 30 वॉल्यूम, जब आप डायगनल बैक सेक्शन लेते हो तो जो कलर है वो बहुत ब्लेंडिंग आता है. यहाँ पर देखोगे दो तरफ से मैंने थोड़े से बालों को आपने छोड़ना है, और नीचे से भी हल्के से बालों को आपने छोड़ना है. क्या किया मैंने, दोनों तरफ से कॉर्नर को मैंने छोड़ना है, और नीचे से भी थोड़े बालों को छोड़ना है. और यहाँ पे चलिए शुरू करते हैं. दिस इज़ कॉल्ड फ्री हैंड पेंटिंग. पहले मिड से स्टार्ट करना है, बी जोन से ए जोन में जाना है, फिर सी जोन में मोर सेचुरेशन करना है. सो व्हाट इज़ ए बी सी? ए जोन जो है वो आपका होता है रूट एरिया, बी जो है वो मिड लेंथ होता है, और सी जोन जो है वो है बॉटम होता है. तो इस तरह से आपने ब्लेंडिंग करना है गाइज. और जब भी आप ब्लेंडिंग करते हो, आप देखना फॉइल पेपर को मैं रैप कैसे करती हूँ. So guys, I went for a training that L'Oreal Academy, and there we are learn like many things, like you know, different types of face shape, you know, hair contouring colors, or you know, like different like in advance में भी अगर हम बात करते हैं तो बहुत चीज़ें सीखते हैं. तो जो भी मैं सीखती हूँ, मैं हमेशा try करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को अपने channel और YouTube में सिखा सकूँ, या फिर अपने online classes में training दे सकूँ. यहाँ पर देखोगे कि foil paper को आपने corner से यू नो अच्छे से क्लोज करना है, ठीक है. कॉर्नर से इसको फिक्स करना है, और ऊपर से आपने इसको लॉक कर देना है. तो कहने का मतलब है सिंपल एक फॉइल, मैंने एक फॉइल लगा के ही इसको हमने पूरा अच्छे से कवर कर दिया, राइट. सो यहाँ पे थोड़ा सा नॉलेज देना चाहती हूँ फॉइल पेपर के बारे में. अगर आप छोटे वालों में काम कर रहे हो तो थोड़ा सा ब्रॉड आपने फॉइल पेपर को कट करना है, ठीक है. अगर आप लंबे वालों में काट रहे हो तो लंबे फॉइल पेपर काटना है. एक फॉइल पेपर, उसके ऊपर दूसरा फॉइल पेपर, फिर बालियाज टेक्निक करके उसको क्लोज कर देना है. तो यहाँ पर जो दूसरा सेक्शन ले रही हो वो भी आपका क्या होने वाला है, डायगनल बैग. और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी 12.1 जहाँ पर मैंने 20 वॉल्यूम के साथ मिक्स किया, एज यू नो दैट. और ये टेक्निक होने वाला है फॉलियाज. अब चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या करना है, ठीक है. कॉर्नर से दोनों को छोड़ दिया है, अब हम देखेंगे इसको अच्छे से. हमने इसको फॉलियाज टेक्निक लिया है, ठीक है. फॉलियाज एज यू नो दैट. और गाइज ये फॉलियाज टेक्निक में क्या होता है कि आपने ना
तीन चार आपने चंक्स लेना है, मतलब या तीन चार हाइलाइट्स लेके इसको बैक कॉमिंग करना है, और नीचे नीचे आपने इसको अप्लाई करना है कलर को, लाइक बैक कॉमिंग कॉल्ड टीजिंग। तो गाइज ये छोटी छोटी चीज़ें मैं ऑनलाइन क्लासेस में सिखाती हूँ, और गुड न्यूज़ यही है कि हमारी 6 बैच शुरू होने वाली है, इसी मंथ से बुकिंग स्टार्ट हो गई है। अगर आप लोग ऑनलाइन क्लासेस के लिए इंटरेस्टेड है तो जल्दी से बुक कीजिएगा, क्योंकि गाइज इसके बाद जो 7 बैच है वो मैं नेक्स्ट ईयर ही लेने वाली हूँ, तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, आप लोग भी मिस करोगे क्लास को, तो बेटर की जस्ट बुक योर सीट फॉर 6 बैच। सो गाइज एज यू कैन सी हेयर मेरी ऑनलाइन क्लासेज इज गोइंग ऑन, जहाँ पे राइट हैंड साइड में अगर आप देखोगे मैं अपने घर से ट्रेनिंग लेती हूँ ऑनलाइन क्लासेज, जहाँ पे आप लोग बहुत अच्छे से इन डिटेल सीखते हैं। अभी जो मेरी क्लासेज शुरू होने वाली है वो 6 बैच है, क्योंकि 5th बैच जो है ना गाइज सक्सेसफुली कम्प्लीट हो गया है, और जहाँ पे स्टूडेंट्स ने बहुत ही इन डिटेल्स में थ्योरी, क्योंकि अगर आपकी थ्योरी वीक है तो आपको इस क्लास में बहुत हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है, ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और डिस्काउंट भी है, अगर आप अभी बुक करते हो तो देन देयर इज़ अ डिस्काउंट गोइंग ऑन, ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी राइट नाउ एंड जस्ट व्हाट्सएप मी। सो नाउ जस्ट टॉक अबाउट दिस प्रोसीजर, सो अभी हम लोग बात करते हैं, लेफ्ट साइड इज़ ऑलरेडी कम्प्लीटेड, आपने इसी तरह करना है। अब हम आते हैं राइट सेक्शन में, यहाँ पे हमने सबसे पहले डायगनल बैक लिया, वही सेम प्रोसेस कॉर्नर में दोनों छोड़ना है, नीचे से एक सेक्शन छोड़ना है, और 12.5 के साथ हमने पहले यहाँ पे बालियाज करना है। एंड अगर आप देखोगे 45 डिग्री में आपने बालों को होल्ड करके फिर आपने इस तरह से पेंटिंग करना है BAN एंड मोर सेचुरेशन इन द सी जोन, और उसके बाद आपने इस तरह से पिंकी फिंगर के साथ आपने ब्लेंडिंग करनी है, राइट, और उसके बाद आपने फॉइल पेपर को अच्छे से फिक्स करना है। एज यू कैन सी हियर ब्रॉड है फॉइल पेपर, जो कि कॉर्नर से अच्छे से कवर भी हो सकता है, इसलिए मैंने ब्रॉड फॉइल पेपर कट किया है। और मैं बताना चाहती हूँ उसके बाद जो होने वाले हैं वो है 12.1, जो कि फॉलियाज हम करने वाले हैं, इस तरह से राइट लेफ्ट करने के बाद पूरा बैक सेक्शन कंप्लीट करेंगे आप, ठीक है। तो मेक श्योर वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जाइएगा नहीं, एक खूबसूरत सा ट्रांसफॉर्मेशन देखना तो बनता ही है। सो कीप कंटिन्यू टू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड, देखते रहिए वीडियो को लास्ट तक, देखते रहिए। नाउ आफ्टर फिनिशिंग बैक साइड, नाउ द टाइम फॉर फ्रंट साइड, यहाँ पे हम लोगों को फ्रंट साइड से करना है। तो यहाँ पे जब आप फ्रंट साइड मतलब सामने से जब आप आते हो तो यहाँ पे भी आपने डायगनल बैक सेक्शन लेना है, और देख सकते हो कितना पतला सेक्शन लिया है गाइस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बीच बीच में आपने बैक कॉमिंग भी कर सकते हो। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर बाल थिक है तो बैक कॉमिंग कर सकते हो, अगर बाल पतले हैं तो बैक कॉमिंग करोगे तो नीचे भी पतला ही नजर आएगा। तो मेक श्योर ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है सीखिए, ठीक है। बैक कमिंग आप तब कर सकते हो अगर आप देखते हो कि रूट्स एरिया में क्या है, रूट्स एरिया में अगर बहुत ज़्यादा फ्रीजीनेस है या ब्रिटल है या ब्रेकेज है तो बैक कमिंग कीजिए, और थिक है तो बैक कमिंग कीजिए। और यहाँ पे 12.5 मैं यूज़ कर रही हूँ, और यहाँ पे टेक्निक है बालियाज टेक्निक। उसके बाद 12.1 होने वाला है, वो होने वाला है फॉलियाज टेक्निक। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर अच्छा लगता है आपको ये वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने उन फ्रेंड से जो आपको लगता है सीखना चाहते हैं, हेयर कलर में ग्रो करना चाहते हैं, क्योंकि मेरा जो वीडियो है वो होता ही बिगनर्स के लिए है, और मैं बिगनर्स को ही सिखाती हूँ ऑनलाइन क्लासेस में भी। सो मेक श्योर आप देखते रहिएगा वीडियो को, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। सो कंटिन्यू, we dance.
तो गाइस इसी तरह से राइट एंड लेफ्ट सेक्शन और उसके बाद क्राउन सेक्शन में बेबी लाइट्स के साथ आपने कवर करना है और आफ्टर दैट यू कैन सी बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, सच अ वंडरफुल ट्रांसफॉर्मेशन। जी हाँ, बताना चाहती हूँ गाइस, सबसे खास बात है इस हेयर कलर में जहाँ मैंने प्री लाइटनिंग का एक ड्रॉप भी यूज़ नहीं किया। जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है और कहता है कि लास्ट टाइम जो कलर आपने किया था बहुत फंटास्टिक था, सेम चीज़ करना है, तो ये जो क्लाइंट है शी जस्ट केम फॉर सेकेंड टाइम फॉर द हेयर कलर, शी लव्ड हर हेयर कलर, दैट्स व्हाई शी केम टू मी फॉर अगेन हर हेयर कलर। बताना चाहती हूँ ऐसा काम कीजिए जिससे आपका क्लाइंट रिपीट हो, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो गाइस, कैसा लगा आपको ये ट्यूटोरियल, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, फेसबुक में या व्हाट्सएप में, जो बिगनर्स है वो सीखे एंड ग्रो कर सके, क्योंकि मेरा चैनल है बिगनर्स के लिए। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। जल्दी से मुझे कमेंट्स करके बताइए कैसा लगा, और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम मैसेंजर में मैसेज करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। सो सी यू गाइस, बाय बाय।